जैसे दूसरा और पढ़ा है। वेलकम बैक आवर चैनल SMS एजुकेशन झंझारपुर। हम लोग बेसिकली कल पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 8 का, वो RS अग्रवाल बुक का, ठीक है। और आज कल हम लोग जो पढ़े थे रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, उसके डेफिनेशन पढ़े थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़े हुए थे। आज हम लोग और कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग पढ़े हुए थे इसके बारे में, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़े थे और उसको सॉल्व किए थे, देखे थे कि जब हम लोग को डिनोमिनेटर छोटा करना हो, ठीक है, या बड़ा करना हो तो हम लोग क्या करते हैं। आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि विच ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, यानी कि कुछ क्वेश्चन दिया गया, कुछ रेशनल नंबर का पेयर दिया गया है, उस पेयर में आपको कंपेरिजन करना है कि कौन, विच वन इज अ ग्रेटर एंड विच वन इज अ स्मॉलर। तो हम लोग पहले आके देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है कि 3/8 और 0 के बीच में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, समझ गए। तो इसमें आप गौर करने वाली बात यह है कि बेसिकली हम लोग तो जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर अगर नहीं दिया गया है तो उसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, ठीक है। अब कॉमन सेंस के हिसाब से भी हम लोग इस बात का पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। हम जानते हैं कि 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, और 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर दिया गया है 0/1 और दूसरा रेशनल नंबर दिया गया है 3/8, ठीक है। इन दोनों में कंपेरिजन करने के लिए हम बेसिकली कॉमन सेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं कि भाई 0 से बड़ा 3/8 होता है, और इसको अगर प्रूव करना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए कि बीच में 0 लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इधर -1, -2, -3, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 0 के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। अगर मान लीजिए हम लोग राइट साइड में चलते चले जाए, राइट साइड में जाएं, ठीक है, तो राइट जाएंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है, और जब हम लोग लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं, ठीक है, तो क्या निकलता है, हमें मिलता है नेगेटिव नंबर मिलता है, यानी कि छोटा नंबर मिलता है, ये स्मॉलर हो जाता है। इस तरह से अगर जाते हैं तो स्मॉलर होता है, और ये इधर जाते हैं तो क्या होता है, ग्रेटर नंबर मिलता है, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर मान लीजिए हम लोग राइट साइड की ओर देखते चले जाते हैं, राइट साइड की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, ग्रेटर नंबर मिलता चला जाता है, और लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, स्मॉलर नंबर मिलता है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, इस तरह से हम राइट साइड में चले जाएंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। अगर निगेटिव की देखते हैं तो -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, इस तरह से राइट साइड में बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर नंबर मिलता चला जाएगा, बड़ा से बड़ा नंबर मिलता चला जाएगा पीछे वाले नंबर से। और लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हम देखते हैं कि 4 से छोटा क्या होता है, 3, 3 से छोटा क्या होता है, 2, 2 से छोटा होता है 1, और 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, और -2 से छोटा -3 होता है। यानी कि राइट साइड में जाने पे बड़ा नंबर मिलता है और लेफ्ट साइड पे आने में क्या होगा, छोटा नंबर मिलता है। तो और गौर करने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि हम लोग इस डिनोमिनेटर की बात छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में ही चलते हैं, डिनोमिनेटर में क्या देखते हैं कि 0 से बड़ा क्या होता है, 3 होता है, तो हम देख सकते हैं कि 3/8 जो है वो बड़ा होता है। एक तो ये सॉल्व करने का तरीका हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए कि 2 रेशनल नंबर इस तरह से क्रिटिकल रेशनल नंबर दिया गया है जो आप नहीं देख पाते हो, नहीं समझ पाते हो कि कौन विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जैसे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसमें 3 होगा, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और हम जब दोनों कंपेरिजन करते हैं, 3 और 0 के बीच में कंपेरिजन करते हैं, तो पता चलता है क्या, कि 3 बड़ा होता है, यानी कि ये 3 किसका वैल्यू है, 3/8 का वैल्यू होता है। तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका एक होता है कि हम लोग 2 रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/8 है और 0/1 है, तो हम क्या करेंगे, 3, 8 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 8 × 1 यानी कि 8 हो जाता है, ठीक है।
अब इस एट का मतलब यह है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो दोनों रेशनल नंबर का हमको एट बनाना है, यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर का जो है यानी कि 3/8 है तो इसका डिनोमिनेटर 8 तो है ही, इसलिए इसको 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा लिख देंगे 3/8। और सेकेंड वाले को, सेकेंड रेशनल नंबर को 0/1 को हम लोग को डिनोमिनेटर जो है वो 8 करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या करना है, 8 करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किसी नंबर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमको सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0 × 8 जीरो होता है। अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं 3/8 और 0/8 के बीच में, ठीक है। तो 0 और 3 के बीच में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करेंगे कि कौन बड़ा, 0 या 3। तो हम लोग देखते हैं कि 3 बड़ा है, यानी कि 3/8 क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें 3/8 और 0/1 में 3/8 रेशनल नंबर जो है वो बड़ा है किसे, 0 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तीसरा तरीका से, थर्ड प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को इस चैप्टर में बनाएंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को आपस में इक्वल करेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, उसका कंपेरिजन करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -2/9 और 0/1, सिर्फ 0 दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे में डाल सकते हैं रेशनल नंबर बनाने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 और 1, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 9 और 1 में हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं दोनों में, तो क्या होगा, 9 होगा। तो फर्स्ट रेशनल नंबर का यानी कि -2/9 का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 1 = 9 और -2 × -2। दूसरे रेशनल नंबर की बात देखते हैं तो 0/1 का डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, 9 लाना है, तो इसके लिए हम लोगों को डिनोमिनेटर में 9 से और न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 9 यानी कि 0। अब देखते हैं दोनों रेशनल नंबर में -2/9 और 0/9, इन दोनों रेशनल नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है देखेंगे। तो गौर से देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि अब न्यूमरेटर में जाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 0 और -2 नंबर लाइन पे हम देखे हुए थे कि 0 जो है राइट साइड में जैसे जैसे जाएंगे, ठीक है, वो बड़ा नंबर मिलता चला जाएगा। तो -2 से राइट साइड में -1 है, यानी कि -2 से बड़ा -1 है और -1 से बड़ा 0 है, यानी कि -2 और 0 के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो देखते हैं कि 0 जो है वो क्या है, बड़ा नंबर है, इसीलिए क्या होगा, 0/9 बड़ा होगा, यानी कि 0/1 जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, यानी कि 0 क्या होगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ग्रेटर रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आपका -3/4 और 1/4, इन दोनों के बीच में देखते हैं। तो इसमें गौर देखिए, क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही जरूरी नहीं होता है, आपको कुछ देख के भी समझना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो गौर से देखिए, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, तो हमको जाना कहां होगा, न्यूमरेटर में जाते हैं, न्यूमरेटर में देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो -3 और 1 नंबर लाइन पे देखिए, -3 से राइट साइड में है -3 के राइट साइड में है क्या है, -1 है, यानी कि -3 छोटा है, उससे बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, यानी कि -1, और -1 के बाद 0 है, 0 के बाद क्या है, 1 है। तो हम देखेंगे कि -3 और 1 में कौन बड़ा होता है, और वैसे भी हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि बोल लिख सकते हैं कि 1/4 इज ए ग्रेटर नंबर, ग्रेटर रेशनल नंबर, ग्रेटर रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में
क्वेश्चन है -5/7 और -4/7। गौर से देखिए, यही प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, ये दोनों का डिनोमिनेटर आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग चलेंगे नोमिनेटर में। नोमिनेटर में देखते हैं कि -5 बड़ा है या -4। तो हम जानते हैं कि जो न्यूमिरेटर, हम जानते हैं कि -5, हम देखेंगे कि -5 या -4। तो -5 हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर होता है नेगेटिव का, वो उतना ही छोटा होता है, और जितना छोटा नंबर होता है नेगेटिव में उतना ही वो बड़ा होता है। तो दो -5 और -4 के बीच में कंपेरिजन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -4 ही क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो गौर से देखिए, यहाँ पे -4 है, ये नंबर लाइन पे देखिए -4 और -5 के बीच में कंपेरिजन करेंगे तो -5 से बड़ा क्या होता है, -4 होता है। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि -4/7 इज ए ग्रेटर नंबर, ग्रेटर रेशनल नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 2/3 और 3/4। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 2/3 और 3/4। ये अलग अलग रेशनल नंबर है, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, आपस में इक्वल करना पड़ेगा। इसको इक्वल करने के लिए हमें एक कॉमन नंबर चाहिए, जिससे हम लोग क्या करें कि आपस में दोनों को उसके बराबर कर दें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, यानी कि एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 3 और 4 का, क्या हो जाएगा, तो निकाल तो सकते हैं नहीं, कोई कॉमन इसका फैक्टर तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 4, यानी कि 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम अगर 12 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हमको किसके बराबर करना होगा, 12 के बराबर करना होगा। तो 12 के बराबर करने के लिए हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर का हम लोग क्या करते हैं, 2/3 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर 12 के बराबर हो जाना चाहिए। तो 3 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, जानते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि 4 से नीचे में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 4 = 12 और 2 × 4 = 8, यानी कि 8/12 हो गया। अब दूसरे रेशनल नंबर पे आते हैं 3/4 × यानी कि हमको 3/4 में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, ताकि उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 3 = 12, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 × 3 = 9। अब देखेंगे दोनों रेशनल नंबर के बीच में कि 8/12 और 9/12 के बीच में कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। तो देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों में आपस क्या है, इक्वल है। तो हम लोगों को चलना पड़ेगा कहां पे, न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में क्या है, 8 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, यानी कि 9/12 होगा। 9/12 किसका वैल्यू है, 3/4 का। हमने क्या किया था, 9/12 बड़ा है तो 9/12 किसका वैल्यू है, 3/4 का है। तो 3/4 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि 3/4 इज ए ग्रेटर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब इस फिफ्थ क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बाकी रह गया आपका, सिक्स नंबर, यानी कि -1/2 और -1 के बीच में। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सिक्स नंबर क्वेश्चन है -1/2 और -1, नीचे में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है कि नहीं है, इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 × 1, यानी कि 2 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, 2 लाना है। तो फर्स्ट का तो है ही, यानी कि -1/2 को अगर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो -1/2 ही होगा, और -1/1 को अगर 2 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा।
माइनस टू बाय टू हो जाएगा। अब गौर से देखिए माइनस वन बाय टू और माइनस टू बाय टू में बीच कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम बताए थे कि नेगेटिव में जितना क्या होता है छोटा नंबर होता है, यानी कि टू से छोटा क्या है वन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि वन माइनस माइनस वन बाय टू इज ए ग्रेटर नंबर, माइनस वन बाय टू इज ए ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक करके सबको सॉल्व किया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन दे दिया है आपको, ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आप लोगों को और उसको अच्छे से, यानी कि वो उसमें था कि इतना इजी नंबर दिया गया था, रेशनल नंबर दिया गया था कि आप एक नज़र में देख के उसको पहचान सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है कि माइनस फोर बाय थ्री और माइनस एट बाय सेवन, इन दोनों में क्या करना है हम लोगों को कंपेरिजन करना है, हम लोगों को क्या करना है कंपेरिजन करना है कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है, विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम वही प्रोसेस अपनाएंगे एलसीएम वाला, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि हम लोग लेते हैं एलसीएम ऑफ थ्री एंड सेवन। ठीक है, थ्री एंड सेवन, तो थ्री और सेवन का एलसीएम क्या निकल सकता है, थ्री इंटू सेवन ही होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो दोनों है ही नहीं, जो दोनों को आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिला दे, तो ऐसा नहीं हो है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेवन थ्री या ट्वेंटी वन, तो एलसीएम कितना निकल गया 21 निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये 21 जो है दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है 21 बनाना है, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या करना है 21 बनाना है, कैसे होगा देखते हैं, यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर जो है यानी कि माइनस फोर बाय थ्री, ठीक है, इस संख्या को इस रेशनल नंबर को किसी एक कॉमन नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 21 हो जाए, ताकि उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाए 21 हो जाए, कैसे होगा तो थ्री को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा, हम जानते हैं थ्री जा थ्री सेवन जा 21, यानी कि सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेवन से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेवन से ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा न्यूमिनेटर को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेवन फोर जा 28 माइनस प्लस माइनस माइनस 28 आ गया, माइनस 28 बाय 21। अब नेक्स्ट रेशनल नंबर पे जाते हैं माइनस 8 बाय 7, इस संख्या को किसी एक नंबर से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ताकि उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 21 हो जाए, किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, सेवन थ्री या 21, यानी कि 7 इंटू थ्री 21, थ्री से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री से हमको क्या करना पड़ेगा न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 थ्री जा 24 और माइनस प्लस माइनस, गौर से देखिए माइनस प्लस का ध्यान रखना आपको अति आवश्यक है, ये माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस हो जाता है प्लस, इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर इसमें गलती हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, माइनस प्लस का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस पर आपको गौर से ध्यान रखना है, माइनस इंटू प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम लोगों का क्या निकल गया, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि माइनस 28 बाय 21 और माइनस 24 बाय 21 दोनों में कौन बड़ा है, गौर से देखिए कि हम क्या बताए थे कि नेगेटिव नंबर में जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा होगा और जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, जस्ट उसका क्या होता है अपोजिट हो जाता है उसका वैल्यू, मतलब छोटा और बड़ा में क्या हो जाता है उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है अपोजिट हो जाता है, यानी बड़ा है तो छोटा वैल्यू होगा और छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, तो गौर से देखिए 28 और 24 कौन छोटा है, ये छोटा है नेगेटिव में है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इससे इससे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस 21 28 से बड़ा होता है माइनस 24, तो इसलिए लिख सकते हैं माइनस 28 बाय 21 गेट लेस देन या लेस देन माइनस 24 बाय
21, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखते हैं, माइनस 28 बाय 21 किसका वैल्यू है, माइनस 4 बाय 3 का है, और माइनस 24 बाय 21 किसका वैल्यू है, तो माइनस 8 बाय 7 का है, ठीक है। कौन बड़ा है इसमें, तो हम इसमें यहां से कंपेरिजन सिंबल से हम लोग देख रहे हैं कि माइनस 24 बाय 21 बड़ा है, यानी कि माइनस 8 बाय 7 बड़ा है, किससे, माइनस 4 बाय 3 से। तो हम लिख सकते हैं माइनस 8 बाय 7 इज ए ग्रेटर नंबर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा पेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 नंबर लेते हैं, सीधा 6 नंबर ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर बता दिए हैं, उसी आधार पर आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 6 नंबर अलग है, तो उसको देखते हैं, माइनस 12 बाय 5 और माइनस 3, माइनस 12 बाई 5 और माइनस 3 के बीच में आपको कंपेरिजन करना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस अपना अपनाएंगे हम लोग, हम लोग क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 इक्वल टू 5 ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 5 बनाना है, 5 लाना है, दोनों का डिनोमिनेटर आपस में इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, माइनस 12 बाई 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 5 होगा, माइनस 12 बाई 5 हो जाएगा। और दूसरा रेशनल नंबर है माइनस 3 बाई 1, ठीक है, इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 15, और बताए थे प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। तो अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं, माइनस 12 बाई 5 और माइनस 15 बाई 5 के बीच में। देखिए गौर से नंबर लाइन पे आप लोग ध्यान रखना होगा आप लोगों को नंबर लाइन पे, कि कौन नंबर बड़ा होता है कौन छोटा होता है किसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो हम बताए हुए थे कि नेगेटिव में जितना वैल्यू क्या होता है छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, और जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, यानी कि माइनस 12 क्या है, माइनस 15 से बड़ा है, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 1 माइनस 12 बाई 5 जो है वो बड़ा है किसका, और माइनस 12 बाई 5 जो है वो किसका वैल्यू है, माइनस 12 बाई 5 का ही वैल्यू है। तो माइनस 12 बाई 5 इज ए ग्रेटर नंबर, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 जो है और जो हम लोग हमने नहीं डिस्क्राइब किया है उसके बारे में, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। इसी प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 7 भी यही है, 7 में भी आपको सिंपल सी बात है कि ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर और इक्वल टू का सिंबल आपको यूज करना है दो रेशनल नंबर के बीच में कंपेरिजन करने के लिए, कि वो छोटा है बड़ा है या बराबर है, इसके लिए आपको सिंबल देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल। सिंबल क्या है, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल। सिंबल क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि आपको दो रेशनल नंबर दिया गया है, ठीक है, यानी कि दिया है पहला माइनस 3 बाई 7 और दूसरा रेशनल नंबर दिया गया हुआ है आपको 6 बाई 30। अब बोल रहा है कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में इन तीनों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल आप डालिए, उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी प्रोसेस से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इस नेगेटिव नंबर को, इस नेगेटिव सिंबल को क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 इंटू 1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर आपका है माइनस 3/7 और दूसरा हो गया क्या माइनस 6/13। ये निगेटिव 13 जो है हट गया, पॉजिटिव हो गया, और जो न्यूमरेटर 6 था पॉजिटिव में था वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो गया। अब दोनों नंबर के बीच में हम लोग क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं, कैसे करेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 7 एंड 13, कैसे निकलेगा 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 91 निकल गया। क्या हो गया 91 हो गया एलसीएम दोनों का, यानी कि इन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हमको क्या करना पड़ेगा 91 बनाना है। तो 91 बनाने के लिए माइनस 3/7 जो कि फर्स्ट रेशनल नंबर है उसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 91 हो जाए। तो गौर से देखिए यहां पे कि 3, 7 और 13 का है एलसीएम, हम लोग 91 निकाले, अगर 7 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 13 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 91 हो जाएगा। तो 7 13 जा 91, यानी कि 13 7 जा 91, 13 3 जा क्या हो जाएगा 39 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 39/91। दूसरे रेशन नंबर में आते हैं माइनस 6/13 है, इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर 91 हो जाए। ठीक है, तो 13 दिए हुआ है तो 13 × 7 होता है 91, 13 दिया हुआ है तो 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 13 7 जा 91 और 6 7 जा 42, 42 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहां पे। अब दोनों रेशनल नंबर के बीच में हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि माइनस माइनस 39/91 और माइनस 42/91 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर में देखते हैं कि माइनस 39 और माइनस 42 में कौन बड़ा है, तो हम जानते हैं कि जितना नेगेटिव नंबर छोटा होता है उतना ही क्या हो जाएगा वो बड़ा होगा, तो यानी कि माइनस 39 जो है वो बड़ा है किससे, ग्रेटर है किससे माइनस 42/91 से, यानी माइनस 42 से बड़ा है कितना माइनस 39। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, ये सिंबल डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो गौर से देखिए माइनस 39/91 किसका वैल्यू है, माइनस 3/7 का वैल्यू है, माइनस 3/7 का वैल्यू है ग्रेटर देन हो गया, और माइनस 42/91 किसका वैल्यू है माइनस 6/13 का वैल्यू है, माइनस 6/13 का वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम दोनों रेशनल नंबर के बीच में क्या कर सकते हैं सिंबल डाल सकते हैं दोनों का कंपेरिजन करके। एक ही बात है इसमें, जितने भी एक्सरसाइज 1A में जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को आपस में इक्वल करना है, उसके बाद न्यूमरेटर में आपको कंपेरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसके बाद उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं ये तीन सिंबल जो है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू का हम लोग क्या करेंगे उसमें सिंबल डालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आपस में हम लोग इक्वल करेंगे उसका डिनोमिनेटर को तो उसका न्यूमरेटर भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे जब दो रेशनल नंबर आपस में इक्वल हो जाएगा तो इक्वल का सिंबल देंगे। ठीक है, अब जब कोई एक छोटा और एक बड़ा है तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे उसमें कंपेरिजन का उसमें सिंबल डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को यहाँ पे डिस्कस किया है, सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो हम लोग उसमें उसके बारे में हम लोग कल यानी कि अगले क्लास में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में कैसे उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। प्रोसेस वही होगा, एलसीएम लेना है फिर सबका डिनोमिनेटर आपस में इक्वल करना है, और न्यूमिनेटर में हमको क्या करना है उसमें कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो छोटा से क्या करना है बड़ा की ओर ले जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो बड़े से बड़े नंबर वाले बड़े रेशनल नंबर से हम लोग क्या करना है छोटे रेशनल नंबर की ओर चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा पेपर बनाने का, अगर मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम होता है जहां तक हम लोगों ने पढ़ाया है अभी तक, तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर डाल दें हमारे कमेंट बॉक्स में, हम उसका डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, और इस चैप्टर को कल एक्सरसाइज 1A को हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।